हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ स्पर गियर। तो फ्रेंड्स, स्पर गियर की डिज़ाइन जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्पर गियर जो होता है उसके फेलियर के रीज़न कौन कौन से हैं। ठीक है, तो स्पर गियर के फेलियर के रीज़न सबसे तो पहले बेंडिंग फेलियर होता है। तो बेंडिंग फेलियर क्यों होता है? उसकी बेंडिंग मोमेंट के कारण उसका बेंडिंग फेलियर होता है। दूसरा होता है वियर फेलियर। ठीक है, तो हमें उसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ और वियर स्ट्रेंथ क्या होती है वो जाननी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो स्पर गियर की डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो उसमें कुछ एजम्पशन है। सबसे पहले तो एजम्पशन हमें ये लेने हैं कि सबसे पहले उसमें जो टीथ है उसमें फुल लोड लग रहा है, मतलब कि जो टीथ है उसमें हमें फुल लोड लग रहा है ऐसा कंसिडर करना है। उसके बाद दूसरा जो है उसमें रेडियल फोर्स, दो टाइप के फोर्स लगते हैं फ्रेंड्स, एक तो है रेडियल फोर्स, दूसरा है टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियल फोर्स जो है पर्टिकुलर स्पर गियर के लिए रेडियल फोर्स हमें क्या करना है, नेगलेक्ट करना है। तीसरा जो है एजम्पशन, दैट इज़ लोड इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द फुल फेस विड्थ, मतलब कि इसकी जो फेस विड्थ होगी, ये टोटल जो फेस विड्थ होगी, ठीक है, तो उसमें जो लोड लग रहा है वो यूनिफॉर्म है, सब जगह एक जैसा है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेस कंसंट्रेशन, आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स स्ट्रेस कंसंट्रेशन, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन इफेक्ट जो है वो भी उसमें नेगलेक्ट करनी है। उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा, जब दो गियर मैट हो गए उसके अंदर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो भी हमें क्या करना है, नेगलेक्ट करना है। तो ये सब एजम्पशन को ध्यान में रखते हुए हमें उसकी डिज़ाइन करनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एक स्पर गियर का एक टीथ लिया हुआ है, उस टीथ में कौन कौन से फोर्स कहाँ पे लग रहे हैं और कैसे उसमें बेंडिंग और वियर स्ट्रेंथ हम फाइंड करेंगे, ये हमें इसमें पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रेडियल फोर्स, यहाँ पे जो दिखाया है रेडियल फोर्स है और ये है टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, और यहाँ है रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनेगा ऐसे, और यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स से उसका जो बेस है, ठीक है, टीथ का जो बेस है वहाँ तक की जो लेंथ है, दैट इज़ एल। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेंथ क्या होगी फ्रेंड्स? इसकी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेंथ का इक्वेशन हमने देखा था, सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई। तो सिग्मा क्या है, दैट इज़ द बेंडिंग स्ट्रेस, सिग्मा टी यहाँ पे लिखा है, एक्चुअली सिग्मा बी भी हम लिख सकते हैं, तो सिग्मा टी सिग्मा बी इक्वल है। तो सिग्मा टी इज इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट इन टू वाई। अब वाई क्या है फ्रेंड्स? वाई जो होता है वो सेंट्रल से उसका डिस्टेंस होता है। जैसे सपोज़ हम शाफ्ट कंसिडर करते हैं यहाँ पे, तो शाफ्ट की जो रेडियस है, ठीक है, यहाँ पे उसका मैक्सिमम डिस्टेंस वाई होगा, मतलब फाइबर की जो डिस्टेंस है वो होगा। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं हम डी बाई टू या तो आर। तो वैसे यहाँ पे जो वाई है वो क्या होगा, टी बाई टू आएगा। तो बेंडिंग मोमेंट वाई एंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है उसके हिसाब से यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया है 1/12 बी टी क्यूब। ठीक है, रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन है उसके हिसाब से बी टी क्यूब आएगा। तो बेंडिंग मोमेंट जो है वो क्या होगी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो पर्टिकुलर बेंडिंग मोमेंट जो है वो होगी फोर्स, यानी टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट हमें यहाँ से लेना है, बी सी से लेना है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो हमने क्या लिया, एफ टी इंटू एल। और दूसरा क्या है फ्रेंड्स, वाई, तो वाई इज इक्वल टू टी बाय टू। एंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया, उसका यूनिट क्या होता है, एम एम रेज टू फोर। ठीक है, तो बी टी क्यूब बाय ट्वेल्व। ठीक है, तो उसके हिसाब से फ्रेंड्स यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं, सिग्मा टी इज इक्वल टू एफ टी इंटू सिक्स एल अपॉन बी टी स्क्वायर, यहाँ से ये आया है। और फाइनली बेंडिंग फोर्स जो लगेगा, या तो टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, बेंडिंग फोर्स लगेगा, वॉट एवर, इक्वल है सब, तो सिग्मा टी बी टी स्क्वायर अपॉन सिक्स एल। अब फ्रेंड्स यहाँ पे टी इज इक्वल टू कंसिडर करना है के वन पी सी, एंड एल इज इक्वल टू कंसिडर करना है के टू पी सी। ठीक है, तो के वन और के टू क्या है, कॉन्स्टेंट है, और पी सी जो है सर्क्यूलर पिच हम बोल सकते हैं। सर्क्यूलर पिच क्या होगा, सपोज इस तरह से टीथ दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर आप यहाँ से बात करें तो यहाँ तक उसकी जो पीच होगी, ठीक है, और वो भी पीच सर्कल डायमीटर में, तो वो होगी पी सी, सर्क्यूलर पीच। ठीक है, तो पी सी यहाँ पे दिया हुआ है, तो सिग्मा टी बी पी सी के वन स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे सिक्स के टू आएगा। तो के, ये पूरा जो टर्म है
वो हम बोलेंगे उसको लुईस फॉर्म फैक्टर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पी सी। तो लुईस फॉर्म फैक्टर स्मॉल वाई यहाँ पे दिया हुआ है, तो एफ टी इज इक्वल टू सिग्मा टी बी पी सी इंटू वाई। अब फ्रेंड्स यहाँ पे पी सी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं पाई इंटू मॉड्यूलो। फ्रेंड्स आपको टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए, इसकी टर्मिनोलॉजी का एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, प्रेशर एंगल क्या है, मॉड्यूल क्या है, वो सब आपको पहला पता होना चाहिए, उसके बाद आप स्पर गियर की डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पी सी इज इक्वल टू पाई इंटू एम है। अब पाई वाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिया है, कैपिटल वाई। जो कैपिटल वाई है उसको हम बोलेंगे लुईस फॉर्म फैक्टर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रेंड्स, लुईस फॉर्म फैक्टर। ये क्यों चाहिए वो मैं आपको बाद में बताऊँगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो हमें बेंडिंग स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन मिलेगा वो याद कर लीजिए, एफ टी इज इक्वल टू सिग्मा बी बी एम वाई। अब दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि आपको जब मैं यहाँ पे डिज़ाइन बता रहा हूँ तो आपको साथों साथ उसमें आपको डिज़ाइन डेटा बुक में भी देखना है कि ये इक्वेशन डिज़ाइन डेटा बुक में है या नहीं। अगर है तो आपको उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एफ टी इज इक्वल टू सिग्मा बी एफ टी, सिग्मा टी है उसको आप सिग्मा बी लिख सकते हो, सिग्मा बी बी एम वाई, क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा बीम स्ट्रेंथ का इक्वेशन, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, ओके। तो अब उसके बाद जो लुईस फॉर्म फैक्टर है उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो लुईस फॉर्म फैक्टर है वो हमें हेल्प करता है गियर वीक है या स्ट्रेंथ, कौन सा गियर वीक है, कौन सा गियर की ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो फाइंड करने के लिए। तो लुईस फॉर्म फैक्टर है वो यहाँ पे 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वोल्यूट दिया है फ्रेंड्स। तो 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वोल्यूट क्या है, तो 20 डिग्री इज़ द प्रेशर एंगल। 20 डिग्री क्या है, 20 डिग्री इज़ द प्रेशर एंगल, ठीक है। अब प्रेशर एंगल क्या होता है वो सबको पता है कि इट्स एंगल बिटवीन कॉमन नॉर्मल टू द कॉमन टेंजेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्टैंडर्ड प्रेशर एंगल है दैट इज 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वोल्यूट, 20 डिग्री स्टब इन्वोल्यूट एंड 14.5 डिग्री फुल डेप्थ इन्वोल्यूट। तो अगर एग्जांपल में आपको दिया है कि पर्टिकुलर ये हमें प्रेशर एंगल लिया है तो आपको ये इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा वाई के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टब इन्वोल्यूट दिया है या ये दिया है तो आपको उसके हिसाब से वाई सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स। डिज़ाइन डेटा बुक में आपको ये दिया रहेगा तो उसमें से आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है। तो हमारा जो इक्वेशन था एफ बी मतलब कि बेंडिंग स्ट्रेंथ इज इक्वल टू सिग्मा बी बी एम कैपिटल वाई, तो वाई तो हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे, वाई हमने क्लियर कर दिया। अब सिग्मा बी कैसे फाइंड करना है, तो फ्रेंड्स जब भी एग्जांपल में आपको दिया होगा कोई भी मटेरियल दिया होगा या वो मटेरियल की एंड्यूरेंस स्ट्रेंथ दी होगी या अल्टीमेट स्ट्रेंथ दी होगी तो उसके हिसाब से आपको बेंडिंग स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो बेंडिंग स्ट्रेंथ है यहाँ पे इक्वेशन दिया है, तो अल्टीमेट अगर आपको मटेरियल दिया है या ग्रेड दिया है तो उसके हिसाब से वो मटेरियल की एंड्यूरेंस अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है वो आपको डिज़ाइन डेटा बुक में से फाइंड करनी पड़ेगी या तो आपको दी होगी तो उसको डिवाइड बाय 3 करोगे तो आपको बेंडिंग स्ट्रेंथ मिल जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको बेंडिंग स्ट्रेंथ भी यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद आता है फ्रेंड्स फेस विड्थ, तो फेस विड्थ हमें कैसे फाइंड करना है, तो फेस विड्थ जो है वो उसका एजम्पशन क्लियर है कि वो 9 मॉड्यूल से 15 मॉड्यूल के बीच में होनी चाहिए। ये एम क्या है, एम इज़ द मॉड्यूल, याद रखना है फ्रेंड्स एम इज़ द मॉड्यूल, तो 9 से 15 मॉड्यूल के बीच में होनी चाहिए। अगर एग्जांपल में आपको दिया है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप 11 मॉड्यूल या 12 मॉड्यूल आप ले सकते हो, ठीक है, कंसीडर कर सकते हो। तो ये हमें उसके हिसाब से बी मिल जाएगा। जब भी आप एग्जांपल करोगे तो उसमें मॉड्यूल कॉमन रहेगा और मॉड्यूल आपको एंड में मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, ये स्टेप है, वन बाय वन हम स्टेप देख रहे हैं, तो पहले ये स्टेप है उसके बाद ये है उसके बाद ये, ठीक है। उसके बाद ये जो स्टेप है उसमें क्या होगा कि कौन सा गियर वीक है, कौन सा गियर की स्ट्रेंथ हायर है वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो वो हमें कैसे मिलेगी, तो सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेंथ इंटू लुईस फॉर्म फैक्टर, इसको मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड्स किसके लिए, पहले तो जो गियर होता है उसके लिए, उसके बाद पिनियन होता है फ्रेंड्स। इसमें कई बार क्या होता है कि गियर अलग मटेरियल का हो सकता है, पिनियन अलग मटेरियल का हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सेम मटेरियल के बने हो, तो इसीलिए आपको पहले ये सिग्मा बी इंटू वाई गियर के लिए, सिग्मा बी इंटू वाई पिनियन के लिए फाइंड करना पड़ेगा। तो ये वाई देखो वाई पी और वाई जी
वाई जी वो आपको मिलेगा यहाँ पे जेड पी और जेड जी से, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन दिख रहा है फ्रेंड्स, तो अगर यहाँ पे पिनियन रखोगे तो यहाँ पे मिलेगा वाई पी, अगर यहाँ पे गियर के लिए रखोगे वाई जी तो आपको मिलेगा यहाँ पे वाई जी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा वाई जी और वाई पी, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको कौन सा गियर वीक है वो पहले फाइंड करना पड़ेगा, फिर जब भी आप आगे फॉर्मूला में जाओगे तो जो गियर वीक है उसके हिसाब से आपको एग्जांपल में आगे जाना पड़ेगा। उसके बाद ये हुआ पूरा बेंडिंग स्ट्रेंथ के लिए, ये क्या है पूरा बेंडिंग स्ट्रेंथ के लिए हमने देखा। उसके बाद हम देखेंगे वियर स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। गियर फेल दो तरह से होता है फ्रेंड्स, एक तो होता है बेंडिंग फेलियर, दूसरा होता है वियर फेलियर, ठीक है। उसकी थियरी भी पूरी दी हुई है कि वियर फेलियर में क्या आता है, पिटिंग, स्कोरिंग, एब्रेसिव वियर, कोरोसिव वियर, ठीक है। तो वियर फेलियर स्ट्रेंथ का जो इक्वेशन है दैट इज़ डी पी बी क्यू के। अब एक एक यहाँ पे कैसे फाइंड करना है वो मैं बता देता हूँ। डी पी क्या है, डायामीटर, डी इज़ द डायामीटर, पिच सर्कल डायामीटर ऑफ द पिनियन, यहाँ पे पिनियन लिखा हुआ है, ठीक है। पिच सर्कल डाया ऑफ पिनियन, ठीक है। देन बी, बी कैसे फाइंड करना पड़ेगा वो हमें यहाँ से मिल जाएगा, बी कैसे फाइंड किया है हमने, ठीक है। देन क्यू, क्यू क्या है फ्रेंड्स, क्यू इज़ द रेशियो फैक्टर, क्यू क्या है, क्यू इज़ द रेशियो फैक्टर। तो हमें क्यू कैसे मिलेगा, क्यू इज इक्वल टू टू इंटू जेड जी अपॉन जेड जी प्लस जेड पी, ठीक है। तो ये हमें ये इक्वेशन भी डिज़ाइन डेटा बुक में दिया होगा रेशियो फैक्टर फाइंड करने के लिए। तो डायामीटर, पिच सर्कल डायामीटर हो गया, फेस विड्थ हो गया, और ये क्या क्यू भी हो गया, ठीक है, रेशियो फैक्टर। उसके बाद है लोड स्ट्रेस फैक्टर के, ठीक है। तो लोड स्ट्रेस फैक्टर के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक पूरा इक्वेशन आता है, ठीक है, लोड स्ट्रेस फैक्टर के लिए। वो पूरा इक्वेशन मैंने नहीं लिखा है, मैंने शॉर्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया है। तो उस इक्वेशन से हमें मिलेगा 0.16 बी एच एन अपॉन 100। फ्रेंड्स ये इक्वेशन भी आपको दिया होगा 0.16 बी एच एन अपॉन 100 स्क्वायर, ठीक है। अगर दोनों स्टील से बने हैं तो, अगर दोनों स्टील से बने हैं, दोनों मतलब गियर और पिनियन दोनों स्टील से बने हैं तो ये इक्वेशन आएगा। अगर दोनों कास्ट आयरन से बने हैं तो के ये इक्वेशन से रखना पड़ेगा। यहाँ पे बी एच एन अपॉन 100 स्क्वायर कॉमन है तो वो मैंने यहाँ पे इस तरह से दिखाया है, ठीक है। अगर पिनियन जो होता है वो स्टील से बना है और गियर कास्ट आयरन से बना है तो के इज इक्वल टू 0.18 बी एच एन अपॉन 100 स्क्वायर इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो हमें जो के फाइंड करना है फ्रेंड्स वो उस तरह से फाइंड करना है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, के का एक बड़ा सा इक्वेशन है, उसको वो इक्वेशन भी दिया रहता है। अगर उसमें हम आप वैल्यू रखोगे तो फाइनली आपको के की ये तीन वैल्यू मिलेगी। तो आपको ये तीन वैल्यू में से एक वैल्यू सिलेक्ट करनी है जो भी गियर या पिनियन का मटेरियल है उसके हिसाब से, ओके। उसके बाद फ्रेंड्स हमें फाइंड करना है इफ़ेक्टिव लोड ऑन स्पर गियर, ठीक है। तो स्पर गियर पे एक्चुअली इफ़ेक्टिव लोड कितना रहेगा, ठीक है। तो जो टेंजेंशियल फोर्स है उसको हम लिख सकते हैं पी बाय वी, पी इज़ द अमाउंट ऑफ पावर टू बी ट्रांसमिट एंड वी इज़ द पिच लाइन वेलोसिटी, ठीक है। या तो टी जी अपॉन डी जी बाय टू, और वी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पाई डी एन अपॉन 16 to 1000। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा मैक्सिमम टेंजेंशियल फोर्स, एफ टी मैक्स, मैक्सिमम टेंजेंशियल फोर्स। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फाइंड करना पड़ेगा एप्लीकेशन फैक्टर और दूसरा फाइंड करना पड़ेगा लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो एप्लीकेशन फैक्टर एंड लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है फ्रेंड्स, तो जब भी कोई भी गियर वर्किंग कंडीशन में होता है तो उसमें तरह तरह के लोड लगते हैं, तरह तरह के शॉक, मतलब यूनिफॉर्म शॉक होता है, यूनिफॉर्मली उसको ऑपरेट करना होता है, या मॉडरेट शॉक होता है, या हैवी शॉक होता है। उसके हिसाब से हमें के ए की वैल्यू सिलेक्ट करनी होती है। जनरली फ्रेंड्स 1 to 1.25 जितना होता है, 2 भी हो सकता है, अगर दिया रहेगा तो 1.25 या कोई भी उसके हिसाब से दिया होगा जहाँ पे भी उसकी एप्लीकेशन है। अगर नहीं दिया तो आपको 1 कंसीडर करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो पहले है एप्लीकेशन फैक्टर, तो एप्लीकेशन फैक्टर में वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है उसके हिसाब से, वहाँ पे शॉक कितना लग रहा है उसके हिसाब से वो दिया रहेगा, एप्लीकेशन फैक्टर हम बोल सकते हैं। दूसरा हम बोल सकते हैं लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, उसकी वैल्यू भी फ्रेंड्स उतनी रहती है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है
उसकी वैल्यू भी उतनी रहती है, जनरली 1.3 to 1.6 रहती है। तो उसमें क्या होता है कि जो कोई भी गियर है वो एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं होता, उसमें अगर थोड़ा भी चेंज रहता है, उसका डायमेंशन थोड़ा भी चेंज रहता है, उसके माउंटिंग में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अगर बेयरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उसके ये सब कंसिडर करके हमने क्या किया है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को यहाँ पे कंसिडर किया है। तो उसकी वैल्यू 1.3, 1.8, 1.5 व्हाटएवर वो दी होगी, अगर नहीं दी है तो आपको उसके जो फेस विड्थ है उसके हिसाब से या उसकी वेलोसिटी के हिसाब से आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जनरली के ए और के एम है, उसकी वैल्यू दी होगी या तो आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन सिलेक्ट करने में भी ये ध्यान रखना है कि 1 से 1.5 के बीच में ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। तो एफ इफेक्टिव जो होता है वो हमें मिलेगा एफ टी मैक्स अपॉन वेलोसिटी फैक्टर, ठीक है, वेलोसिटी फैक्टर। तो एफ टी मैक्स अपॉन के वी रहेगा, ठीक है। तो एफ टी मैक्स अपॉन के वी, तो एफ टी मैक्स तो हमने फाइंड कर लिया के ए के एम अपॉन पी बाई वी। अब के वी कैसे फाइंड करना है, तो के वेलोसिटी फैक्टर के लिए हमें या तो आईएस ग्रेड दिया रहेगा मटेरियल का, या तो उसका एक्यूरेसी लेवल दिया होगा, या तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग मेथड दी होगी, ठीक है, या तो उसकी पिच लाइन वेलोसिटी जो होती है वो अगर 20 से ज़्यादा है या 30 से कम है, सॉरी या तो 2000 से कम है या ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से हम के वी कंसिडर करते हैं। तो के वी की जो वैल्यू होती है वो जनरली इस तरह से होती है 3.6 अपॉन 3.6 प्लस वी अंडर रूट वी, ठीक है। तो ये मैंने एक वैल्यू रखी है, जिस जो भी मटेरियल है सपोज आईएस ग्रेड का है, ठीक है, आईएस ग्रेड 8 to 9 के बीच में है, तो उसका वेलोसिटी फैक्टर ये रहेगा। तो उस तरह से जो भी मटेरियल का ग्रेड दिया होगा उस तरह से उसकी ये जो वेलोसिटी फैक्टर है वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें एफ इफेक्टिव मिल जाएगा। देन फ्रेंड हमें फाइंड करना है प्रिसाइज एस्टिमेशन ऑफ डायनेमिक लोड एंड इफेक्टिव लोड। अब प्रिसाइज एस्टिमेशन, यहाँ पे डायनेमिक लोड यानी जब भी फ्लक्चुएशन होता है लोड का, तो उसका फ्लक्चुएशन कंसिडर करके हमने डायनेमिक लोड कंसिडर किया है। तो डायनेमिक लोड में बकिंगहाम इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ये इक्वेशन क्या बोलते हैं हम, बकिंगहाम इक्वेशन, ठीक है। तो बकिंगहाम इक्वेशन में तो यहाँ पे सब दिया हुआ है, वी इज़ द वेलोसिटी पिच लाइन वेलोसिटी, बी इज़ द फेस विड्थ, ठीक है, सी क्या है, तो सी इज़ द डिफॉर्मेशन फैक्टर। अब डिफॉर्मेशन फैक्टर फाइंड करने के लिए ये एक इक्वेशन होता है, इक्वेशन क्या है सी को फाइंड करने के लिए, तो वो है के इंटू ई अपॉन 1 अपॉन EP प्लस 1 अपॉन EG। अगर फ्रेंड्स आप ये इक्वेशन को पूरा सॉल्व आउट करोगे तो आपको फाइनली जो सी मिलेगा, ठीक है, वो सी इस तरह से मिलेगा, सी इज़ इक्वल टू 11500 E। ई क्या है फ्रेंड्स, तो ई कहाँ पे आता है, तो ई ये के फाइंड करने में आता है, ठीक है, के का जो इक्वेशन होता है उसमें ई फाइंड करना होता है। ओके सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे गलती हो गई है। तो यहाँ पे क्या है कि जो ई हमें मिलेगा वो तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, के की वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी या दी होगी, उसमें होता है 0.111, उसको बोलते हैं टूथ फॉर्म फैक्टर, ठीक है। उसकी तीन वैल्यू दी हुई है 115 एंड 0.107, ठीक है। ये जो यूज़ होता है वो 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वोल्यूट के लिए, उसके बाद 20 डिग्री स्टब इन्वोल्यूट के लिए, और जो लास्ट वाला है वो 14.5 फुल डेप्थ इन्वोल्यूट के लिए होगा, ठीक है। तो डायनेमिक फोर्स हमें ये इक्वेशन से मिलेगा पूरा, उसमें सी की वैल्यू जो तीन है वो यहाँ से आएगी, उसमें अगर दोनों स्टील से बने हुए हैं तो ये वैल्यू, दोनों कास्ट आयरन से बने हुए हैं तो ये वैल्यू, और स्टील जो होता है वो पिनियन जो स्टील का बना हुआ है और गियर कास्ट आयरन का बना हुआ है तो ये वैल्यू। फ्रेंड्स ईपी और ईजी क्या है, तो ईपी क्या है एरर इन पिच, एंड ईजी क्या है एरर इन गियर, उसकी वैल्यू भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी। वो इक्वेशन भी फ्रेंड्स दिया होगा आपको, तो पूरे इस इक्वेशन से हमें मिलेगा एफ इफेक्टिव फॉर
प्रिसाइज एस्टिमेशन फ्रेंड, प्रिसाइज एस्टिमेशन ऑफ डायनेमिक लोड एंड इफेक्टिव लोड। तो डायनेमिक लोड हमने फाइंड कर लिया, उसके बाद इफेक्टिव लोड हमने देख लिया। तो इफेक्टिव लोड कैसे मिलेगा, एफ टी मैक्स प्लस एफ डी। तो इस तरह से हम एफ इफेक्टिव फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एफ इफेक्टिव हमने दो तरह से देखा, एक तो यहाँ पे एफ इफेक्टिव देखा फर्स्ट, एंड दूसरा एफ इफेक्टिव यहाँ पे देखा, ठीक है। अब फ्रेंड्स एफ इफेक्टिव फाइंड हो जाए उसके बाद उसको हमें कंपेयर करना है। तो हमने पहले बेंडिंग स्ट्रेंथ देखा, उसके बाद वीयर स्ट्रेंथ देखा। तो ये दोनों में से किसकी स्ट्रेंथ कम है, फिर से बोल रहा हूँ, ये दोनों में से किसकी स्ट्रेंथ कम है। सपोज़ एफ बी लेस देन एफ डब्ल्यू है, तो हमें एफ बी यहाँ पे कंसीडर करना है। सपोज़ एफ बी ग्रेटर देन एफ डब्ल्यू है, तो एफ डब्ल्यू कंसीडर करना है। तो उस हिसाब से यहाँ पे इक्वेशन लगेगा। तो जो भी कम है वो उसको एफ इफेक्टिव के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो एफ इफेक्टिव, एफ बी ग्रेटर देन एफ इफेक्टिव हो रहा है, ठीक है, एफ डब्ल्यू ग्रेटर देन एफ इफेक्टिव हो रहा है, तो क्या हो रहा है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे मिलेगा फ्रेंड्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो एक से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, वो एक से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हमारी डिज़ाइन जो है वो सेफ हम बोल सकते हैं। तो जनरली जो एन एफ होता है वो कितना होता है, 1.5 से 2, या तो मैक्सिमम हम तीन तक ले सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जनरली बिलो 3 एंड मोर देन 1.5 हम ले सकते हैं, तो इतनी आनी चाहिए। तो पूरी ये जो प्रोसीजर है वो है डिज़ाइन ऑफ स्पर गियर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।